जो अभी आप लोग को हम नेपाली मेला का व्यू दिखा रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ से, अभी आगे बने रहिए मेरा वीडियो। जो देख सकते हैं कि माँ पार्वती के मंदिर का जो पास में की थी, यहाँ जल अर्पित करने के लिए जा रहा है बाबा का दरबार में, जो अभी आप लोग देख सकते हैं शिवलिंग वहाँ पे है, जो मंदिर अभी आप लोग कंटिन्यू दिखा रहे हैं आप, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल रहा है। और यहाँ यूट्यूब चैनल, फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत। दोस्तों आज जो हम आज आप लोग को दिखाने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि साल भर के बाद ऐसा ही आप लोग को मौका मिलता है दिखाने के लिए, जो कभी नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में आज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज जो है नेपाली मेला है महाशिवरात्रि का। तो आज हम आप लोग को काफ़ी वीडियो बना के दिखाएंगे और बहुत मेहनत करके आप लोग को दिखाएंगे, जो कि काफ़ी भीड़ रहता है, जो अभी आप लोग को हम दिखाएंगे। और स्टार्टिंग करेंगे और रजोला चौक से, जो कि वहाँ चौक से जो नेपाल से श्रद्धालु जो आया है, काफ़ी टूट पड़ा है सुंदरनाथ धाम में, और पूरा सुंदरनाथ धाम का जो मेला है बैकग्राउंड पूरा दिखाएंगे। तो प्लीज़ भाई आप लोग हमें फुल सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करके वीडियो डालते रहते हैं रेगुलर। तो आप लोग खास करके आज का जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, और जो भाई मेरा चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऑल में दबा के सेट भी कर दीजिएगा वेलकम घंटी को। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी यूनिक होने वाला है, जो आप लोगों को कभी साल में एक ही बार मिलता है देखने के लिए, जो अररिया जिला का सबसे बड़ा मेला है सुंदरनाथ धाम का। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों आप लोग अभी देख सकते हैं कि हम रजोला चौक में फिलहाल, और यहाँ देख सकते हैं जो इधर से उतना भीड़ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इधर जो आप लोग देख सकते हैं, इधर जो इतना भी भीड़ दिखा रहे हैं आप लोग को, तो इधर से काफ़ी भीड़ है, क्योंकि नेपाल इधर ही पड़ता है। तो अभी आप लोग को पीछे वाले कैमरा से दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी इधर रजोला का जो व्यू है, जो इधर दोनों साइड से नेपाल का श्रद्धालु काफ़ी आता है। अभी चलते हैं आप लोग को मेला पे लेके, और इधर से देख सकते हैं कि अभी कितना भीड़ है। तो चलते हैं यहाँ से, इतना भीड़ के अंदर हम अभी आप लोग को दिखाने के लिए जाएंगे, क्योंकि इतना भीड़ काफ़ी है, जो कि अंदर जाएंगे अभी मंदिर का पूरा मेला व्यू दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए। और चलते हैं इस भीड़ के अंदर आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी जो इतना भी नेपाली श्रद्धालु है, तो सब आ रहा है सुंदरनाथ धाम में, जो अभी आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू किया, अभी भीड़ ख़त्म नहीं हुआ है। जो नेपाली मेला है आज महाशिवरात्रि 2024 का वीडियो आप लोग के सामने पे लाने के लिए जा रहा हूँ, और चलते हैं यहाँ से अंदर आप लोग को दिखाएंगे पूरा मेला का व्यू दिखाएंगे, बने रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राम जानकी मंदिर है, यहाँ पे दान पुण्य आप कर सकते हैं, और यहाँ से अभी चलते हैं आगे, आप लोग को मेला का पूरा व्यू दिखाएंगे, पूरा मेला आप लोग को घुमाएंगे। तो आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम घंटी ऑल पे दबा के सेट कर लीजिएगा। अभी चलते हैं आप लोग को दिखाने के लिए कंटिन्यू, बने रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे वैष्णवी मक्का 55-77 जो है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं का भी सुविधा दे रहा है, जो कि यहाँ पे पानी फ्री में पिला रहा है। तो यहाँ से चलते हैं अंदर आप लोग को दिखाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों कि इतना छोटा बच्चा यहाँ पे खेल दिखा रहा है, और खेल दिखा के पैसा कमा रहा है, देख सकते हैं, और जो खुशी होता है पब्लिक को देता है। और यहाँ जो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेला के अंदर आप लोग को दिखा रहे हैं, ये रस्सी में सिर्फ पैदल चल के अभी दिखा रहा अपना खेल, और देख सकते हैं इतना छोटा बच्चा है। तो यहाँ हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, चलते हैं आप लोग को मेला घुमाने के लिए, बने रहिए। लोगों को कंटिन्यू वीडियो हम बना के दिखाएंगे, जो कि आज नेपाली मेला है सुंदरनाथ धाम का, जो कि काफ़ी नेपाली श्रद्धालु जो टूट पड़ा है, जो कि नेपाल का आज खास करके मेला है सुंदरनाथ धाम। कल जो है इंडियन मेला रहेगा, तो कल का भी वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, आज खास करके नेपाली वीडियो आप लोग को बना के दिखा रहे हैं, कि जो नेपाल का श्रद्धालु काफ़ी चल के आया है, और सुंदरनाथ धाम का जो पहला जो मेला रहता है नेपाली रहता है, इसके बाद इंडियन मेला लगता है। तो अभी आप लोग को हम कंटिन्यू दिखाएंगे, देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, और मंदिर के ऊपर भी चढ़ के आप लोग को दिखाएंगे, पहले आप लोग को सबसे पहले मेला पूरा घुमा देंगे, इसके बाद मंदिर में भी दिखाएंगे कि कितना भीड़ रहता है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा वीडियो। तो देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, जो अभी आप नेपाल वाली छोरी हमरा दारू चाहिए, नेपाल वाली छोरी हमरा दारू चाहिए, को हम दिखा रहे हैं कंटिन्यू, और चलते हैं पीछे वाले कैमरा से आप लोग को पूरा मेला का सैर करवा दें। दिलों का आता है एक बार आगे चला, और देख सकते हैं दोस्तों कि अभी काफी भीड़ के सामना करके अभी मेला के अंदर आप लोग को ले जा रहे हैं, कि पूरा दिखाएंगे, जैसे कि सर्कस आ गया है, इसके बाद जितना भी है मौत कुआं भी आ गया, इधर से देख सकते हैं दो दो झूला भी है, और ये साइड में भी काफी चीज है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे।
दोस्तों उधर से आएंगे तो पूरा चीज आप लोग को दिखाएंगे। पहले हम यहाँ से चलते आगे निकलते हैं आप लोग को हम दिखाने के लिए। तो यहाँ काफी जितना भी श्रद्धालु जो सुबह आया तो वापसी हो रहा है, जो अभी आ रहा है तो वो जा रहा है अभी दर्शन करने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना भीड़ है जो सुंदरनाथ धाम में। काफ़ी ऐसा भीड़ आप लोग को कोई मेला में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि सुंदरनाथ धाम जो है काफ़ी वर्षों से ये मेला लगता है, जो नेपाली मेला जो आप लोग अभी दिखा रहे हैं कंटिन्यू वीडियो बना के। तो चलते हैं और आप लोग को आगे दिखाने के लिए, इतना भीड़ के सामना करके हमको जाना पड़ रहा है। तो अभी आप लोग को दिखाने के लिए बने दोस्तों, अभी आप लोग को पूरा मेला हम दिखाएंगे, पूरा आप लोग को जितना भी व्यू है सो टोटल दिखाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से बाबा के दरबार नज़दीक है, तो फिलहाल हम इधर से चलेंगे, आप लोग को इधर से पूरा मेला दिखाते हुए जाएंगे। तो इधर देख सकते हैं तो मनिहारा पट्टी है इधर, और आगे भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से, पहले इधर का आप लोग को व्यू दिखा देते हैं, इसके बाद उधर निकलेंगे। अभी आप लोग को टोटल व्यू दिखाएंगे। ये साइड भी झूला आया हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खेलकूद है। तो यहाँ से आगे चलते हैं आप लोग को दिखाने के लिए, बने रहिए मेरा वीडियो। ये साइड भी काफ़ी आया है खेलकूद, जब ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नौ का जो खेल है, यहाँ पे नौ का खेल दिखा रहा है, इसमें भी आप लोग बैठ सकते हैं, बहुत मज़ा लगता है। और यहाँ देख सकते हैं मेला में काफ़ी सारा चीज़ आया है जो अभी आप लोग को दिखाए, जो कि 2023 में जितना आया था लेकिन कम था, लेकिन 2024 का जो अभी आप लोग को हम वीडियो बना के दिखा रहे हैं, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि झूला की इंजॉय काफ़ी श्रद्धालु ले रहा है, जो कि आज नेपाली मेला है। और नेपाली मेला का आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा, और सुंदरनाथ धाम का पूरा जो भी भाई वीडियो देखिएगा पूरा शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो को। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है जो अभी सुंदरनाथ धाम का। हम फिलहाल ये मेला इधर का दिखा रहे हैं, तो अभी आगे जाएंगे तो आगे का और भी दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा वीडियो। यहाँ से चलते हैं अभी मनिहारा पट्टी होके आगे, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हम आप लोग को दिखा रहे थे मेला, यहाँ पे इस तरह से खेल आया हुआ कि टोटल हम दिखा। तो यहाँ से चलते हैं, मनिहारा पट्टी होते हुए निकलेंगे मंदिर। दोस्तों देख सकते हैं कि ये मनिहारा पट्टी है, मतलब काफ़ी है लगा हुआ था, लेकिन अभी आप लोग को हम जिस रूट से जा रहे हैं तो अभी आप लोग को फिलहाल इधर का दिखा देते हैं, फिर इसके बाद कल का वीडियो में अभी दिखाएंगे, क्योंकि यदि हम पूरा मेला दिखाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं आगे, बने रहिए। देख सकते हैं कि लोकेशन उधर भी है, तो फिलहाल हम इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि उधर काफ़ी भीड़ पड़ेगा, तो हम इधर से निकल के तो मंदिर जाएँगे तो आप लोग को दिखाएँगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे। आप लोग ज़्यादा सुंदरनाथ धाम में मनिहारा पट्टी ही देखिएगा, तो काफ़ी मनिहारा पट्टी आया। तो यहाँ से चलते हैं मेन रोड में, अभी आप लोग को फिर लेफ्ट चलते हैं मंदिर के पास। तो अभी मंदिर के पास जाएंगे तो पूरा वीडियो दिखाएंगे, बने रहिए। देख सकते हैं कि फिर मेन रोड में हम आ गए हैं, तो यहाँ से चलेंगे अभी मंदिर। तो मंदिर में दिखाएंगे कि आप लोग को कितना भीड़ रहता है श्रद्धालु का, तो उस भीड़ में आप लोग को जाके फिर हम आप लोग को दिखाएंगे पूरा वीडियो बना के, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं मंदिर के पास। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी आप लोग को दिखा रहे हैं कि क्योंकि मंदिर का हम गेट के पास में है, तो अभी चलेंगे मंदिर के ऊपर तो आप लोग को कंटिन्यू व्यू दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं कि भीड़ का नज़ारा अभी आप लोग के, कितना काफ़ी श्रद्धालु आया हुआ है आज सुंदरनाथ धाम में। और दोस्तों हम जो बोले थे वही आप लोग को दिखा रहे हैं, कि जो बताए थे 8 मार्च को जो महाशिवरात्रि नेपाली मेला है, तो नेपाली मेला आज अभी आप लोग को कंटिन्यू दिखा रहे हैं, पूरा व्यू दिखाएंगे मेला सुंदरनाथ धाम का। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा वीडियो। तो देख सकते हैं कि ये मेन गेट है, और प्रशासन यहाँ पे पूरा सहयोग करता है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं मंदिर के ऊपर, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे पूरा व्यू, और जो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया है। तो देख सकते हैं कि मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं, चलते हैं पीछे वाले कैमरा से आप लोगों को पूरा मंदिर का व्यू दिखाएं। दोस्तों देख सकते हैं कि प्रशासन से पूरा सहयोग करता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ कितना सारा है मंदिर में सुंदरनाथ धाम। और चलते हैं भीड़ के सामना करके, अभी आप लोग को हम दिखाते हैं पूरा व्यू, अभी देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे, जो देख सकते हैं कि माँ पार्वती के मंदिर का जो पास में कितना भीड़ लगा हुआ है, श्रद्धालु काफ़ी आया हुआ है। और यहाँ से आप लोग को आगे भी दिखाएंगे, जो शिवगंगा का व्यू दिखाएंगे, पूरा चारों साइड का व्यू दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा वीडियो।
सकते हैं कि सुनो ना धाम के मंदिर में जो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पे मंदिर का भी है, वीडियो दिखाएंगे मंदिर का, यहाँ देख सकते हैं तो, और इधर देख सकते हैं जो कि गेट में है। मैडम फोटो खिंचवाएंगी, बहुत अच्छी फोटो और चलते हैं आप लोग को पूरा पीछे वाले कैमरा से दिखा। तो देख सकते हैं कि मंदिर में कितना भीड़ है, जो कि अभी बाबा का दरबार में है हमारे यहाँ पे, और काफी नेपाल से चल के श्रद्धालु आया है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी भीड़ है। और यहाँ से अभी आप लोग को दिखाते हैं कि कितना भारी की संख्या में लाइन लगा हुआ है श्रद्धालु, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये लाइन का कतार है जो काफी लंबा है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू। ये लाइन इसलिए लगाया है क्योंकि श्रद्धालु एक साथ यदि मंदिर में जाएगा तो कुछ से हादसा हो सकता है, इसीलिए लाइन का सुविधा दिया गया है जो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से शिवगंगा का पूरा व्यू दिखाएंगे, और यहाँ देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, और यहाँ देख सकते हैं अभी भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहा है नेपाल से चल के, जो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी श्रद्धालु है सब यहाँ जल अर्पित करने के लिए जा रहा है बाबा का दरबार में, जो अभी आप लोग देख सकते हैं शिवलिंग वहाँ पे है, जो मंदिर अभी आप लोग कंटिन्यू दिखा रहे हैं आप लोग को। तो चलते हैं यहाँ से आप लोग को शिवगंगा का पूरा व्यू दिखाएंगे, यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कि कितना भारी की संख्या में पब्लिक यहाँ पे पहुँचा हुआ है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं सुंदरनाथ धाम में। तो आप लोग को यहाँ का पूरा व्यू दिखा देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अभी दिखाएंगे कि काफ़ी सुंदरनाथ धाम में जो कि आज जो नेपाली मेला है तो काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, जो काफ़ी भारी की संख्या में पब्लिक यहाँ पे जुट रहा है, जो अभी देख सकते हैं मतलब यहाँ चलने का जगह नहीं है, इतना भीड़ है, और काफ़ी समय कैपिंग करके आए हैं तब इतना भीड़ है, यदि हम सुबह आते तो भीड़ में यहाँ वीडियो नहीं बनता है। चलते हैं आगे, अभी आप लोग को देखा देख सकते हैं कि यही गेट है मेन, और इधर से अभी श्रद्धालु जितना भी आता है जल उठाता है शिवगंगा में, तो यहाँ से जाके फिर इसे घूम घूम के फिर ऐसे जाके जल अर्पित सुंदरनाथ धाम में करता है, जो कि यहाँ पे प्रशासन आप साफ देख सकते हैं कि पूरा सपोर्ट करता है, यहाँ पे पूरा सहयोग कर रहा है, जो कि कुछ ऐसा कुछ नहीं घटित हो जाए, प्रशासन साहब पूरा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जो मंदिर में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, जो पब्लिक को कोई दिक्कत ना पहुँचे। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है जो आज नेपाली मेला है। तो चलते हैं शिवगंगा के पास से, अभी आप लोग को हम कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाएंगे, तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों अभी हम शिवगंगा का व्यू दिखा रहे हैं, जो कि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे उमड़ पड़ा है, जो कि जल भरने के लिए यहाँ से जल भर के फिर यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि ये रास्ता यहाँ पे निकला गया है, तो ये रास्ता से ऐसे घूम घूम के जो कि लंबा टूर बनाता है, जो कि मंदिर में कुछ कोई हादसा ना हो जाए इसलिए लंबा टूर बना दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन सिस्टम से लग के फिर यहाँ से मंदिर में जाके फिर जल अर्पित करता है बाबा को, और काफ़ी सुरक्षित के साथ अर्पित करता है, और इसके बाद वहाँ से माता पार्वती के भी मंदिर में जल अर्पित करता है। तो यहाँ इस तरह से सुविधा दिया गया है जो कि पब्लिक को कुछ ना हो, और कल जो इंडियन मेला है कल तो और काफ़ी भीड़ रहेगा, तो कल का वीडियो आप लोग को हम दिखाएंगे, जो कि इंडिया मेला में जो है काफ़ी श्रद्धालु कोई सा रास्ता नहीं बाकी रहता है, जो नेपाल के भी श्रद्धालु वो भी आता है, लेकिन आज खास करके नेपाली मेला है, जो अभी आप लोग को हम नेपाली मेला का वीडियो दिखा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से, अभी आगे बने रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों की कितना भीड़ का सामना करके अभी हम आप लोग को वीडियो बना के दिखा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं अभी आप लोग को हम वीडियो बना के दिखाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे, और मेला का भी सारा व्यू दिखाना बाकी है, तो ये साइड का पूरा मेला का व्यू दिखाइए। दोस्तों
दोस्तों काफी भीड़ बढ़ रहा है। जो यहाँ माता पार्वती के मंदिर में आप देख सकते हैं कि कितना लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ पे आया हुआ है, जो नेपाल से चल के श्रद्धालु। तो अभी आप लोग को हम कंटिन्यू वीडियो आप लोग को दिखा रहे हैं, जो कि आज नेपाली मेला है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे काफी सुरक्षा के साथ में, यहाँ पे प्रशासन घूमते रहता है जो कि पूरा सुरक्षा देता है, कभी पब्लिक को कुछ ना हो और जितना भी श्रद्धालु है सही ढंग से जल चढ़ा पाए। और यहाँ देख सकते हैं पूरा कम्प्लीट, और यहाँ काफी हम वीडियो आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं बना के, और यहाँ से चलते हैं अब नीचे आप लोग को काफी। चलते हैं दोस्तों, आपने मेला का सैर करा देते आप लोग को तो फिर वीडियो के एंड कर देंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग को हम मंदिर का पूरा व्यू दिखा दिए हैं, तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों आप मंदिर सामने से जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ का सामना करते करते हम थक गए हैं कि और यहाँ पे अब रुकने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ से चलते हैं आप लोग को नीचे का व्यू दिखाने के लिए, बने रहिए मेरा वीडियो। तो फिर यहाँ से मंदिर से चलते हैं, आप लोग को पूरा मेला का व्यू दिखाएंगे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग को दिखाने के लिए तो देख सकते हैं कि मेला में काफी भीड़ है और श्रद्धालु काफी यहाँ पे आ ही रहा है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं। अभी हम काफ़ी भीड़ का सामना करके अभी आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ से चलते हैं अभी आप लोग को दिखाने के लिए, जो अभी आप लोग को मेला दिखाएंगे कंटिन्यू। दोस्तों अभी अब चलते हैं ये साइड, क्योंकि ये साइड का अभी आप लोग को व्यू दिखाएंगे, और इधर काफ़ी व्यू दिखाना बाकी रह गया। तो हम कल आप लोग को खास करके जो है जो लगेगा इंडियन मेला, तो इंडियन मेला भी आप लोग को हम दिखाएंगे वीडियो बना के कि कैसे पब्लिक यहाँ पे टूट पड़ता है सुंदरनाथ धाम में। तो कल हम सवेरे से व्लॉगिंग चालू करेंगे, क्योंकि आज लेट हो गया था इसलिए कि काफ़ी भीड़ था सुबह जो नेपाली मेला था, तो इतना भीड़ में ठीक नहीं होता, जो मोबाइल तोबाइल भी खींचा जाता था, इसलिए व्लॉगिंग करने में अच्छा नहीं रहता। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं कि इधर मनिहारा पत्ती अभी पहुंच गए हैं, तो अभी आप लोग को ये साइड का व्यू दिखाएंगे टोटल। तो यहाँ से चलते हैं आगे। तो देख सकते हैं इधर का भी व्यू आप लोग को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मनिहारा पट्टी है और इधर थोड़ा सा जितना भी है झूला सब दो अभी आप लोग को दिखाएंगे। और ऐसे भी आप लोग को हम जो मकर मेला वीडियो दिखाए थे, तो ये सब झूला आया हुआ था, और वो साइड में जो था कि वो साइड में कुछ नहीं आया हुआ था। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये दो झूला, वही व्यू अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ से मौत कुआँ को दिखा देंगे आप लोग को, तो मौत कुआँ खास करके आज तो नहीं देखेंगे, इधर देख सकते हैं। तो मौत कुआँ में यदि हम आएंगे तो आप लोग को कंटिन्यू दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेक डांस भी है, और इधर देख सकते हैं कि झूला भी है। तो यहाँ देख सकते हैं ब्रेक डांस अभी स्टार्ट नहीं किया, जब यहाँ पे पब्लिक पहुँचेगा तो भी स्टार्ट होगा। और उधर मौत कुआँ है, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ बच्चा खेलने वाला सब है, टोटल भी है यहाँ पे सुविधा खेल कूद का, जो अभी आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों फिर। काफ़ी थक चुके हैं हम, यहाँ से अब चलते हैं घर, तो घर में जाके वीडियो के एंड कर देंगे। आज जो नेपाली मेला था आप लोग को हम फुल दिखाए, चलते हैं यहाँ से। ये भीड़ अभी भी काफ़ी है, जो कि भीड़ के सामना करके घर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं यहाँ से आगे बने। उसको अभी देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ का सामना करके हम अब निकल रहे हैं घर के तरफ। तो यहाँ फिलहाल देख सकते हैं कि
अभी का व्यू किस तरह से पीछे का, तो अभी आगे का भी आप लोग को व्यू दिखाएंगे क्योंकि काफी पसीना आने लगा इतना देर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज हमें फुल सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और कल का भी वीडियो आप लोग को बनाएंगे जो कि कल इंडियन मेला है, तो कल का भी वीडियो दिखाएंगे आप लोग को बना के। और फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे का व्यू दिखा के फिर वीडियो एंड कर। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी भीड़ है जो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं लाइव ग्रुप जो देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं क्योंकि आप काफ़ी टाइम मिलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, तो बड़ा बन गया तो फुल वॉच कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो देखने में आज का जो नेपाली मेला है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा भी। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, अच्छा लगा है तो कमेंट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये छोटे भाई को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कल इंडियन मेला है तो कल आप लोग को दिखाएंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नया वीडियो के साथ में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महादेव।